हेलो फ्रेंड्स, CSIR बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। आज हम लोग देखेंगे कि ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होता है डिटेल में, और ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो होता है वो क्या होता है मसल सेल्स में होता है। ठीक है, तो देखो ये मान लो मसल सेल्स है, ये मसल सेल्स है, और ये क्या है ब्लड वेसल्स है, और ये क्या है लीवर। ठीक है, तो देखो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था ये होता क्या है। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर मसल सेल्स में ऑक्सीजन नहीं है, या फिर हम लोग बोलेंगे एनएरोबिक कंडीशन है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जो पायरोबिक एसिड होता है ना, पायरोबिक एसिड होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो देखो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मसल सेल्स में होता है, आरबीसीज में भी होता है, और कुछ बैक्टीरियाज में भी होता है। तो देखो ये क्वेश्चन आता है ये कब होगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, कब होगा मींस कब पायरोबिक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो ये तब होगा ड्यूरिंग स्ट्रेनस या विग्योर या एक्सट्रीमली हाई एक्सरसाइज के कंडीशन पे। जब हम लोग बहुत ज़्यादा हाईली एक्सट्रीमली हाई एक्सरसाइज कर देते हैं ना, तो उस टाइम पे क्या होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होने लगता है, मीन्स लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है। क्यों? क्योंकि हाई एक्सरसाइज के टाइम पे ये जो मसल सेल्स होता है इसमें ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुँच पाता है, और अगर ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा तो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे क्या होगा, ये पायरूबिक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक है, तो देखो होता क्या है, कैसे करके लैक्टिक एसिड में चेंज होता है पायरूबिक एसिड। देखो ये मसल सेल्स है, मसल सेल्स में ग्लूकोज इंटर किया और क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस हुआ। जब ग्लाइकोलाइसिस हुआ तो देखो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूबिक एसिड बना, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से, इसी प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस। और देखो यहाँ पर दो रिड्यूस्ड NADH2 निकला, ये क्या है रिड्यूस्ड NADH2। ठीक है, अब देखो मसल सेल्स में ऑक्सीजन नहीं है या फिर एनएरोबिक कंडीशन है, क्यों, बिकॉज ऑफ हाईली एक्सट्रीम एक्सरसाइज के कारण ऑक्सीजन नहीं है। तो ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, देखो यहाँ पर जो रिड्यूस्ड NADH2 निकला है ना, रिड्यूस्ड NADH2, इसमें जो ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन ये एक्चुअल में हाइड्राइड आयन है, या फिर हम लोग बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो हुआ क्या था, याद करो ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पे क्या हुआ था, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा था तो उस टाइम पे क्या हुआ था, सिक्स कार्बन कंपाउंड होता है ग्लूकोज, इससे क्या बना था 3 कार्बन कंपाउंड पायरूबिक एसिड बना था। तो इसका मतलब हो गया कि क्या हुआ है, ये कार्बन कार्बन के बीच में का जो बोन्ड है वो टूटा है, तो बोन्ड टूटने से क्या क्या ये क्या रिलीज हुआ था, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुआ था। तो उस इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट किया था, हम लोग बोलेंगे NAD। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो किसमें कन्वर्ट हो गया, NADH2 में, तब हम लोग उसको बोल रहे हैं कि NAD क्या हो गया, रिड्यूस हो गया किस फॉर्म में, NADH2 फॉर्म में। इसका मतलब ये NADH2 में क्या है, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स है। ठीक है, ये अनस्टेबल है, तो ये क्या चाहेगा अपना हाइड्राइड आयन, हाइड्राइड को या फिर इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, किसी को दे दे या किसी को डोनेट कर दे। तो क्या होता है, देखो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ये जो पायरूबिक एसिड है ना, इसमें क्या करता है, ये रिड्यूस्ड NADH2 क्या करता है, अपना हाइड्राइड आयन जो है या फिर इलेक्ट्रॉन है उसको इसमें ट्रांसफर कर देता है, इस पायरूबिक एसिड में। जैसे ही देखो ये H2 इसमें ट्रांसफर किया पायरूबिक एसिड में, तो ये पायरूबिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, लैक्टिक एसिड में, इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो देखो ये अपना हाइड्राइड आयन को दे दिया या फिर H2 को दे दिया या फिर इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया इसमें, तो ये वाला NADH2 ऑक्सीडाइज हो गया, मीन्स यहाँ पर क्या हुआ NADH2 से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इसका मतलब NADH2 इसमें बदल गया NAD+ में। अब ये NAD+ क्या करेगा, फिर से जब ग्लाइकोलाइसिस होगा तो फिर से जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, मींस फिर से बॉन्ड टूटेगा, तो फिर से जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसको ये फिर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं जो NAD होता है इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, यहाँ पर भी सेम वही हुआ। तो अब देखो इसका मतलब हो गया ये क्या बन गया, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया मसल सेल्स में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो अब होता क्या है, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने लगता है ना मसल सेल्स में, तो हम लोग क्या होता है, तब हम लोग का मसल जो होता है वो क्या होता है, फैटिक हो जाता है, या फिर क्या आने लगता है, क्रैम्प्स आने लगता है। ठीक है, इसका मतलब हो गया फैटिगनेस और क्रैम्प तभी आएगा जब लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है मसल सेल्स में, और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कब हो रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब हो गया कि उस टाइम पे मसल सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तभी लैक्टिक एसिड बन रहा है, जिसके कारण मसल्स क्या हो रहा है, फैटिग हो रहा है या क्रैम्प्स आ रहा है। ठीक है, तो अब ये जो लैक्टिक एसिड बना उसका क्या होगा, तो देखो मसल सेल्स में जो भी लैक्टिक एसिड बन रहा है ना, देखो ये दोनों को मैं एक ही में ये कर रहा हूँ रिप्रेजेंट,
देखो तो वो ये जो लैक्टिक एसिड बना मसल सेल्स में वो ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। देखो ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, ये ब्लड से होते हुए ट्रांसपोर्ट होते हुए लैक्टिक एसिड कहाँ पहुंच जाएगा, लीवर में पहुंच जाएगा। देखो लीवर में पहुंच गया लैक्टिक एसिड, और लीवर में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, लीवर में ऑक्सीजन रहेगा, लीवर सेल में एरोबिक कंडीशन होगा, तो लीवर में क्या होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, ये लैक्टिक एसिड पायरूबिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा लीवर सेल के अंदर। और यहाँ भी कौन एंजाइम लगेगा, लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज। जैसे ही देखो पायरूबिक एसिड में कन्वर्ट हुआ लीवर सेल के अंदर, तो अब क्या होगा, लीवर इस पायरूबिक एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। देखो पायरूबिक एसिड से क्या इसमें कन्वर्ट किया, ग्लूकोज में, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। तो पायरूबिक एसिड क्या है, एसिड है, मीन्स नॉन कार्बोहाइड्रेट है, और ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इसका मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट से क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। और ये कहाँ हो रहा है, लीवर में हो रहा है। तो अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, अब ये जो ग्लूकोज है ना, ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज लीवर सेल से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा ब्लड में। देखो ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो गया, अब ब्लड से फिर ट्रांसपोर्ट होकर फिर से कहाँ पहुंच जाएगा, मसल सेल्स में। देखो पहुंच गया, फिर से मसल सेल्स में पहुंच गया ये ग्लूकोज। तो देखो ये साइकिल को हम लोग बोलेंगे क्या साइकिल, कोरीज साइकिल। इसको हम, इसी साइकिल को हम लोग बोलते हैं कोरीज साइकिल, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं लैक्टिक एसिड साइकिल, ठीक है। तो अब देखो होता क्या है, मान लो कि लीवर सेल में कुछ डिसऑर्डर हो गया, फिर लीवर में कुछ डिजीज हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं लीवर डिसऑर्डर्स। और हाइपोक्सिया कंडीशन मीन्स जब ऑक्सीजन बहुत कम मिल रहा है, और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर मीन्स अगर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का मतलब हो गया कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन मान लो डैमेज हो गया, तो उस टाइम पे क्या होगा, ऑक्सीजन जो रहेगा ना वो सेल में नहीं पहुंच पाएगा। तो इस कंडीशन में लीवर भी डैमेज है और ऑक्सीजन भी सेल में नहीं पहुंच पा रहा है, तो इस टाइम पे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या बनने लगेगा, लैक्टिक एसिड बनने लगेगा। ज्यादा जब लैक्टिक एसिड बनेगा तो ये वाला जो सेल है इसमें जो इंट्रा सेलुलर पीएच है वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा या डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ये एसिड बन रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है। तो जब भी इंट्रा सेलुलर पीएच डिक्रीज कर जाएगा, या फिर हम लोग बोलेंगे पीएच एसिडिक हो जाएगा, तो इस सेल के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगा। और इसके साथ साथ क्या होगा, जब लैक्टिक एसिड ब्लड में आएगा तो लैक्टिक एसिड क्या करेगा, ब्लड का पीएच को भी क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा या फिर एसिडिक कर देगा, ठीक है। नॉर्मल जो ब्लड का पीएच होता है वो कितना होता है, 7.2 होता है, देखो 7.2 होता है, लेकिन इस लैक्टिक एसिड के कारण ब्लड का पीएच और भी डिक्रीज कर जाएगा, इसका मतलब हाईली एसिडिक हो जाएगा। तो हाईली जब एसिडिक हो जाएगा तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस तब हो रहा है, फर्स्ट हाइपोक्सिया कंडीशन के टाइम, या फिर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाए, या फिर लीवर डिसऑर्डर्स हो जाए, तब हम लोग बोलेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा। और ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस के टाइम अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा इंडिविजुअल का, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। थैंक यू।